नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करें एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि एक गजब का ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो यहाँ पर एक बड़ा क्रैश भी आ सकता है मार्केट में। लेकिन ये स्टॉक अभी भी काफ़ी सस्ते हैं, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास है। तो ये स्टॉक है मनाली पेट्रोकेमिकल्स। इस स्टॉक में अभी भी काफ़ी मतलब अप मोमेंटम संभव है, यहाँ से यह स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। इसका यहाँ पर प्राइस देखिएगा तो लोवेस्ट प्राइस है 8 रुपीज। ये अभी अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, 45 रुपीज 30 पैसा, और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 56 रुपीज। तो अभी भी देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से प्राइस काफी नीचे है, तो अभी भी काफी अपसाइड पोटेंशियल इसमें बाकी है। तो 100 रुपीज तक ये स्टॉक इजिली जाने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन तय करेगा कि इस स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम रहेगा। अगर बात करें प्रॉफिट के ग्रोथ का, तो 243% का प्रॉफिट में ग्रोथ है, 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट है एक साल का। तो समझ सकते हैं इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, और शेयर प्राइस अभी भी मात्र 45 रुपीज़ है। मार्केट कैप भी देख लीजिए मात्र 777 करोड़ का है। कंपनी का ऊपर जो डेट है मात्र 14 करोड़ का है, और कंपनी का रिजर्व जो है 375 करोड़ का है। तो कंपनी का रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है 110 करोड़ का। वही कंपनी के होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न का, कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग कॉन्स्टेंट है 44.86% का। कंपनी में FIs का भी होल्डिंग है 0.64% का। DIs होल्डिंग लगभग निग्लिजिबल है 0.04%, जो कि निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग कंपनी में ज़बरदस्त है 54.46% का। तो कंपनी में पब्लिक का भी होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, प्रमोटर्स का होल्डिंग उसके बाद 44.86% का। तो प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छा खासा है कंपनी में, और प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, मतलब कंपनीज में जो एक्टिविटी है वो लगभग कांस्टेंट है प्रमोटर्स के होल्डिंग के अनुसार। अब कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात करें, कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स 2009 में मात्र 346 था, और अभी 2020 तक में ये हो चुका है लगभग डबल 677 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 2009 में मात्र 7 करोड़ का, और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये प्रॉफिट पहुंच चुका है 112 करोड़ का। तो प्रॉफिट काफ़ी जंप हुआ इस साल, और इस साल जो कंपनी का प्रॉफिट जंप हुआ है उसमें देख सकते अदर इनकम माइनस में है। तो यहाँ पर कंपनी का जो सारा का सारा प्रॉफिट इस बार जंप हुआ है वो सेल्स से जनरेट हुआ है, मतलब कंपनी का सेल्स काफ़ी ग्रो हुआ है इस साल जो ट्रेलिंग 12 मंथ है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी का रिजल्ट भी पोस्ट कर रही है। वही कंपनी के लेवल्स और टारगेट की बात करते हैं, तो जो ब्रेकआउट की मैंने बात किया था यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया था। ये ट्रेंड लाइन था जहाँ ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, इस बार ये कंपनी इस रेसिस्टेंस को जबरदस्त रूप से क्रॉस किया, क्योंकि पिछला जो क्लोजिंग था यहाँ पर देख लीजिए 37.70 रुपीज़ था, और वहाँ से डायरेक्ट कंपनी ओपन ही हुआ 42.50 रुपया पे, और हाई बनाया 45.30 रुपया का। एक दिन में 20% का अपर सर्किट लगा है इस शेयर में, और ये शेयर मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था कि काफ़ी बेहतरीन शेयर है, और ये 100 डे का जो मूविंग एवरेज है EMA है यहाँ पर देख सकते हैं बार बार सपोर्ट ले रहा था। अगर इस बात करें को आपको इसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जब भी आपको मैंने बताया है कि 50 डे 100 डे और 200 डे का EMA लगाना है, इसके नीचे आता है तो आपको इन्वेस्ट कर देना है, इसके जब ऊपर जाता है जैसे रैली खत्म होगा वहां पर आप सेल कर सकते हैं। तो अभी तो मार्केट में बिग बुल रैली है, तो अभी आप जो है जैसे निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट होता है तो बेच करके आपको मार्केट से निकल जाना है, क्योंकि जो भी आप क्राइसिस देखेंगे 2008-92 सारे क्राइसिस में यही हुआ है, जब भी हाई हुआ है तो वहाँ मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है। तो यहाँ पर जैसे मार्केट गिरना स्टार्ट होता है तो यहाँ से बेच कर आपको निकल जाना है, तब तक के लिए आपको इस स्टॉक में बने रहना है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी जो है सारे स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, 10% 20% का एक एक दिन में तेज़ी। तो अभी आप बनाए रहिए, अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते रहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं, जब जो कि मैंने बताया है आपको इस सारे मूविंग एवरेज के नीचे आपको इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में कोई मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जाना है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट किए हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते चलना है, जैसे कंपनी का शेयर प्राइस नीचे टूटता है तो आप उससे एग्जिट कर जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि आपको वीकली चार्ट लगाना है। वीकली चार्ट पर आप देखेंगे ये ब्रेकआउट काफ़ी सॉलिड है। तो यहाँ देखिए वीकली चार्ट मैंने लगाया, वीकली चार्ट पर यहाँ पर आप देखते हैं ये सारे जो एवरेज के जब नीचे स्टॉक है यहाँ पर बाय करना है,
और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा हम जो होते हैं जब वीकली चार्ट पर कमजोर दिखता है तब एग्जिट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। तो ये सारी बात याद रखना है, डेली चार्ट पे जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली चार्ट पर जब वीकनेस आएगा तो अभी वीकली चार्ट पर देखते हैं काफ़ी बड़ी तेजी है और ये जो ब्रेकआउट है काफ़ी वॉल्यूम के साथ हुआ है और यहाँ पर ऑल टाइम हाई का जो प्राइस है इसका यहाँ पर देखते हैं, इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है 56 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर आप ऑल टाइम हाई पर ये डाल देते हैं, देखिए 56 रुपीज़ 10 पैसा ये ऑल टाइम हाई है, मतलब जब 56 रुपीज़ से ऊपर जाके ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है तो वहाँ से एक और बड़ी रैली जो कि 100 रुपीज़ तक इस स्टॉक को ले जा सकता है। लेकिन 100 रुपीज़ के ऊपर मतलब 56 रुपीज़ जब जा करके सस्टेन करेगा और 100 रुपीज़ तक तभी जा सकता है जब ये बुल रैली बना रहे मार्केट में। और ये अभी देखते हैं ये क्रॉस कर रहा है 200 डे के मूविंग एवरेज को, जो हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज है, तो सारे मूविंग एवरेज ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है वीकली चार्ट पर, तो काफ़ी बड़ा ये बुल है और ये स्टॉक भी इस बुल रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक बड़ा मोमेंटम यहां से आपको देख सकता है और ये हो सकता है कि ये मोमेंटम कुछ दिन तक कंटिन्यू रह सकता है या फिर यहां से गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि ये स्टॉक में कई बार ऐसा देखने मिला है कि ये बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट तो देता है लेकिन फिर से स्टॉक में करेक्शन आ जाता है। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, ये पहले भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना था इस बड़े वॉल्यूम के साथ, लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ पर करेक्शन होने लगा और ये करेक्शन काफ़ी अच्छा खासा हुआ था। ये 29 रुपीज़ से लगभग ये स्टॉक 23 रुपीज़ तक आ चुका था। तो इस तरह का अब भी होता है कि ये ब्रेकआउट फेक हो तो यहाँ से आपको एक करेक्शन में देखने मिलता है। तो कल आपको देखना है अगर इसके प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है, ओपन होकर के प्राइस के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको सारे के सारे स्टॉक काफी बेहतरीन मिलेंगे। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।